आज है वीकेंड का वार और आज के दिन पता चलेगा कि कौन घर से बेघर होने वाला है और क्या कुछ डिटेल्स सामने आई है इस वोटिंग लिस्ट को लेकर। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स, जी हाँ, आज के दिन वीकेंड का वार शूट हो रहा है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि मोस्टली चांसेस ये है कि इस पूरे सीजन में वीकेंड का वार जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को रखा जाएगा। जी हाँ, पहले सैटरडे संडे होता था लेकिन अब फ्राइडे सैटरडे आपको वीकेंड का वार देखने को मिलेगा। ऐसे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस हफ्ते नॉमिनेटेड थे साजिद खान, गौतम विग, अर्चना गौतम, गोरी नागोरी, शिव ठाकरे एंड एमसी स्टैन। ये 6 लोग नॉमिनेटेड थे और इन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिल रहे हैं, सबसे कम वोट्स किसको मिल रहे हैं और घर से बेघर होने के किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, सलमान किसे घर से बेघर करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। जैसा मैंने कहा, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। इस वक्त सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड आउट हो चुका है। जब वोटिंग लाइन ओपन हुई थी और शुरू हुआ था वोटिंग, उस दौरान सबसे नीचे थी अर्चना गौतम। जी हाँ, अर्चना गौतम को सबसे कम वोट्स मिल रहे थे लेकिन अब अर्चना पहुंच चुकी है काफी ऊपर, वोटिंग्स में काफी हेर फेर आया है और सबसे नीचे जो कंटेस्टेंट है वो आपको सुनकर काफी शॉक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे नीचे इस वक्त मौजूद है कौन, ये मैं बाद में बताऊंगी। सबसे टॉप पर है एमसी स्टैन। जी हाँ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट्स इन 6 लोगों में से सबसे ज्यादा मिले हैं एमसी स्टैन को विद अप्रोक्सीमेटली 34% वोट्स, यानी कि एमसी स्टैन को अकेले को 34% वोट्स मिले हैं। फिर है शिव ठाकरे विद 25% ऑफ वोट्स, फिर आते हैं गौतम विग विद 20% ऑफ वोट्स और कल जो लड़ाई हुई घर के अंदर जो आपने देखा उसका भी काफी हद तक असर इस पर पड़ा है। गौतम शिव के बीच में लड़ाई हुई, शिव और एमसी स्टैन के बीच में लड़ाई हुई, एमसी और शिव बाद में दोस्त भले बन गए लेकिन गौतम और शिव की अब भी बहस चल रही है। सो कहीं ना कहीं कल की लड़ाई के बाद के वोटिंग ट्रेंड जो है ये और ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहे हैं। सो जैसा मैंने कहा, एमसी स्टैन 34% के साथ टॉप पर है, फिर शिव ठाकरे 25%, फिर गौतम विग 20%, फिर अर्चना गौतम 11%। जी हाँ, यानी कि अर्चना पहले जो सबसे लास्ट पर थी अब वो फोर्थ पोजिशन पर आ गई है। अर्चना गौतम 11%, साजिद खान 5% वोट्स उनको मिल रहे हैं, महज 5% लोगों ने साजिद को वोट किया है और सबसे कम वोट्स हैं गोरी नागोरी को। जी हाँ, गोरी नागोरी को मिले हैं सिर्फ 4% वोट्स और एमसी स्टैन बन गए हैं हाईएस्ट वोट रिसीवर इस नॉमिनेशन लिस्ट में। सो डेफिनेटली फैंस का ताबड़तोड़ प्यार एमसी स्टैन को मिल रहा है और पिछले 2 दिन में तो काफी एक्टिव हुए हैं, हालांकि परसों काफी ज्यादा सैड एमसी नजर आ रहे थे लेकिन जैसे ही घर के अंदर रियल टास्क आया और थोड़ा बहुत माहौल पम्प्ड अप हुआ, जब उन्हें लगा कि ही इज वर्थ समथिंग, तो अचानक से जो है उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया है और कल तो हमने देखा ही कि कितना कॉन्टेंट एमसी ने दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, गोरी नागोरी को सिर्फ 4% वोट्स मिले हैं तो उनका जाना शायद इस हफ्ते पूरी तरह से निर्धारित है। अगर इस हफ्ते एलिमिनेशंस कैंसिल हो जाते हैं तो बात अलग है, बट अदरवाइज गोरी नागोरी इज गोइंग टू लीव द हाउस। आप क्या कहेंगे इस बात पर, बताइएगा।